दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। इसकी क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, इसमें कितने पद हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कब इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी प्रकार के नए जॉब्स के अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों। जो ये वैकेंसी निकली हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर से निकली हुई है, जोधपुर राजस्थान से दोस्तों। ये वैकेंसी जो इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 12/4 से 11/5 जो लास्ट डेट थी, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आप नोटिस में देख सकते हो, अब इसको 30/5 कर दिया गया है। इसकी जो हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है 10 जून है, 30 मई ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है दोस्तों। एक इन पदों पर वैकेंसी है, सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बहुत पद हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो, जूनियर असिस्टेंट के 15 पद है टोटल। लाइब्रेरी के एक पद है ओबीसी का, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट कंप्यूटर, जूनियर टेक्नीशियन की एसी, इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। ग्रुप डी पोस्टों के लिए इसमें एज 32 ईयर रखी गई है, एंड ग्रुप सी पोस्टों के लिए 2 से 14, सीरियल नंबर 2 से 14 तक की 27 ईयर रखी गई है दोस्तों। इसकी क्या असिस्टेंट क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस यानी MLIS और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में हो, साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए MTech, ME, MSc इनमें से किसी भी इंजीनियरिंग में स्नातक, साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस, सभी पोस्ट एक्सपीरियंस पोस्ट है दोस्तों। आप इसमें एक्सपीरियंस में लिखा हुआ नहीं है, निजी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडीज, किसी में भी आप जॉब किए हो, वर्क किए हो, से एक्सपीरियंस ले सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो, इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट अभी है दोस्तों, 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है। जैसा कि नोटिफिकेशन में दिखाया गया है, मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है आपको। इसकी जो हार्ड कॉपी है आप 10 जून तक एड्रेस पे भेज सकते हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट सेकंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर को आप सेंड कर सकते हो। 10 जून हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है। फॉर्म का प्रिंट, साथ में जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आप इसके साथ सेंड कर सकते हो दोस्तों। इसकी लास्ट डेट 30 मई है, 10 जून जो हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है। आप इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे, रिक्वायरमेंट जॉब्स पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हो, नॉन एकेडमी पोस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पोस्ट दिखाई देगी। जैसा ये सभी पोस्ट आ गई है, जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट से फिल कर सकते हैं। साथ में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम एंड कैंडिडेट लास्ट नेम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार की वैकेंसियों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ। इसकी क्या शैक्षणिक योग्यता रहने वाली है, इसमें कितने पद हैं, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, कब इसके फॉर्म ऑनलाइन होंगे, सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इसी प्रकार के नए जॉब्स के अपडेट पाने के लिए आप इस चैनल पे बने रहिए दोस्तों। जो ये वैकेंसी निकली हुई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर से निकली हुई है, जोधपुर राजस्थान से दोस्तों। ये वैकेंसी जो इसके फॉर्म स्टार्ट हुए थे 12/4 से 11/5 जो लास्ट डेट थी, उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आप नोटिस में देख सकते हो, अब इसको 30/5 कर दिया गया है। इसकी जो हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है 10 जून है, 30 मई ये फॉर्म भरने की लास्ट डेट है दोस्तों। एक इन पदों पर वैकेंसी है, सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर
टेक्निकल असिस्टेंट के, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बहुत पद हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, सिविल, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हो जूनियर असिस्टेंट के 15 पद है टोटल। लाइब्रेरी के एक पद है ओबीसी का, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट, जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट कंप्यूटर, जूनियर टेक्नीशियन की ऐसी इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, जैसे कि आप सब देख सकते हो। ग्रुप डी पोस्टों के लिए इसमें एज 32 ईयर रखी गई है, एंड ग्रुप सी पोस्टों के लिए 214, सीरियल नंबर 214 तक की 27 ईयर रखी गई है। दोस्तों इसकी क्या असिस्टेंट क्वालिफिकेशन रहने वाली है, सीनियर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस यानी MLIS और 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। जूनियर असिस्टेंट पद के लिए बैचलर डिग्री किसी भी स्ट्रीम में और साथ ही 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट के लिए MTech, ME, MSc इनमें से किसी भी इंजीनियरिंग में स्नातक, साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस, सभी पोस्ट एक्सपीरियंस पोस्ट हैं। दोस्तों आप इसमें एक्सपीरियंस में लिखा हुआ नहीं है, निजी सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ऑटोनोमस बॉडीज किसी में भी आप जॉब किए हो, वर्क किए हो, उससे एक्सपीरियंस ले सकते हो। जैसा कि आप देख पा रहे हो इसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट अभी है दोस्तों, 30 तारीख इसकी लास्ट डेट है, जैसे कि नोटिफिकेशन में दिखाया गया है। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कैसे फॉर्म अप्लाई करना है आपको। इसकी जो हार्ड कॉपी आप 10 जून तक इस एड्रेस पे भेज सकते हो, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट सेकंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जोधपुर को आप सेंड कर सकते हो। 10 जून हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है। फॉर्म का प्रिंट साथ में जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है वो सभी आप इसके साथ सेंड कर सकते हो। दोस्तों इसकी लास्ट डेट 30 मई है, 10 जून जो हार्ड कॉपी सेंड करने की लास्ट डेट है। आप इसका फॉर्म कैसे फिल कर सकते हो आप देख सकते हो। सबसे पहले हम इसके ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, रिक्वायरमेंट जॉब पोजीशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसा आप देख पा रहे हो नॉन एकेडमिक पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपको पोस्ट दिखाई देगी। ये सभी पोस्ट आ गई है, जिस भी पोस्ट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट से फिल कर सकते हैं। साथ में ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, कैंडिडेट मिडिल नेम एंड कैंडिडेट लास्ट नेम से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की वैकेंसियों की जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।